अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सजाद हुसैन यूट्यूब चैनल। यार एक दोस्त का बार बार मुझे सवाल आ रहे हैं, टेलीस्कोपिंग मूड के बारे में पूछ रहा है। तो मैं आज कंप्यूटर की स्क्रीन पे हूँ, ये वीडियो उस भाई के लिए है। बार बार वो मुझे पर्सनल पे मैसेज कर रहा था, तो इस पे मैं आपको थोड़ा डिटेल से समझा देता हूँ कि मूड होता क्या है और टेलीस्कोपिंग बूम के साथ उसका क्या रिलेट होता है, और सारी डिटेल आपको उसमें समझा दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा तो जी शुरू करते हैं। ये मेरे सामने स्क्रीन है, ये टेलीस्कोपिंग मेरे पास सेक्शन आए हुए हैं, ठीक है। टेली 1 2 3 4 5 सेक्शन है, और ये जो लास्ट में होता है ये टेलीस्कोपिंग सिलेंडर होता है, यही इनको सबको इन आउट करता है, बाहर अंदर बाहर करता है, ठीक है। अब इसके बाद हम जो है ना, ये नीचे एल के कोड है, लेंथ कोड होता है, ये टेरिस की बात कर रहे हैं। तो ये हम फिर यहाँ से हम बूम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। ऊपर आपने कन्फिग्रेशन देखी हुई है, ये कन्फिग्रेशन है, और ये मूड 1 पे खड़ी हुई है क्रेन इस वक्त, ठीक है। ये जो मूड 1 होता है, इसमें मूड होते हैं, 6 मूड होते हैं, लेकिन ये मूड 1 पे खड़ी हुई है क्रेन, और ये लीवर का निशान है, ये वाला लीवर का, ये जो ये लीवर लगा होता है, ठीक है। ये मूड, यहाँ से मूड डिसाइड होता है, ठीक है। अब हम मैं आपको बताता हूँ, ये हम एल के पे जैसे जाते हैं ना, तो ये हमारी स्क्रीन आज यहाँ से हमने लेंथ कोड सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। मूड हमने चेंज अभी नहीं करना, क्यों वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। अब ये यहाँ से हम लेंथ सेलेक्ट करेंगे, ये एल के कोड है, लेंथ कोडें पड़ी हुई हैं, ठीक है। ये आगे उसकी लेंथ पड़ी हुई है कि कौन से कोड पे हमारा कितना बूम निकलेगा, 16 20 20, ये 16 के कितने सेक्शन है, ठीक है। क्योंकि बूम 45% ही निकलेगा या डिफरेंट डिफरेंट निकलेंगे, तो ये लेंथ वही रहेगी, लेकिन आगे टेलीस्कोप की चेंज हो जाएगी, किसी में 1 नंबर निकल रही है, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, इस तरह किसी में 5, और ये चेंज हो रही है, ठीक है। ये तरीकाकार है, आगे इसकी आपको ये फिटों में आ जाती है, रेडियस आ जाता है, और ये बाकी डिटेल आ जाती है, ठीक है, उनमें हम नहीं जाते। आपको यहाँ से अगर नीचे जाना है, मजीद एल के कोड देखना है, तो ये यहाँ से आप जाएंगे तो ये नीचे होता जाएगा, ठीक है। ये जहाँ से डिफरेंट डिफरेंट एल के कोड आते जाएंगे, आपको जो वाला चाहिए, जितनी लेंथ चाहिए, कौन कौन से बूम चाहिए, वो आपको वहाँ से ले देखें, ठीक है। इसमें जो ये ब्लू कलर आ रहा है, ये 45 की निशानी है कि ब्लू में अब आप क्लिक करते हैं तो आपको वो बूम वाला सेक्शन 45% निकलेगा, ये ऊपर उन्होंने बताया हुआ भी है। 0 वाइट है, ब्लू 45 है, और हाफ ब्लैक जो है ना वो 90 है, और जो ब्लैक है वो 100% है, वो 100% बूम जब यहाँ पे सिलेक्शन आती है ब्लैक की, तो इट मीन ये 100% सेक्शन हमारा आउट होगा अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं, तो ठीक है। यहाँ से हम फिर हम अपने बूम की कॉन्फ़िगरेशन सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जब हम सेलेक्ट करके यहाँ से सेव करते हैं तो ये सेव हो जाती है, ठीक है। अभी मैं सेव रेंडमली कर रहा हूँ, ये 45 करके इसको ये सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये सिलेक्शन हो गई, ठीक है। अभी हम आपको बताएंगे कि मूड का क्या इसमें लेना देना होता है, ठीक है। अभी मेरे पास क्रेन में क्या है, 1 हुक अवेलेबल है, एक हुक है, ठीक है। लेकिन क्रेनों में आपको पता है डबल वेंच हो तो 2 हुकें भी लग जाती हैं, जब 2 हुकें लग जाती हैं तो ये 2 लीवर क्रेने हैं, ठीक है। इनमें सिर्फ 2 ही लीवर आते हैं, एक ये वाला, एक ये लेफ्ट वाला। तो अभी आप खुद सोचें, इसको अगर मैं यहाँ डाउन, ये इधर डाउन होगा, इधर अप होगा, ठीक है। इस इधर से मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ ताकि ये काम ना करे, ठीक है। ये यहाँ से डाउन होगा, ये अप होगा, आगे क्या होगा, ये बूम डाउन होगा, बूम अप होगा, बड़ी हुक डाउन होगी, बड़ी हुक अप होगी। यहाँ से क्या है, छोटी हुक अगर हो इसमें, ठीक है, 2 हुक की हों, तो यहाँ छोटी हुक डाउन होगी, छोटी हुक अप होगी, यहाँ पर स्विंग होगा, यहाँ पर स्विंग होगा। जब यहाँ पर छोटी हुक डाउन होगी और छोटी हुक अप होगी, तो आप बूम कैसे एक्सटेंड करेंगे, बूम आप अपना कैसे निकालेंगे, आपको उसके लिए एक ऑप्शन चाहिए ना, इसमें और लीवर तो है नहीं, तो यहाँ पे आ जाता है मूड का काम, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से मूड सिलेक्शन करने का क्या तरीका है, यहाँ पे आप ये नॉर्मल स्क्रीन पे ये बैक का बटन दबाएंगे, ठीक है। ये बैक का दबाएंगे तो ये एक डिफरेंट स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी, और यहाँ पे आप देखेंगे ये मूड का ऑप्शन है, ठीक है, ये चले जाएंगे। अब इसमें ये ऊपर देखें लिखा हुआ है जेस्टिक मूड्स, हाँ ठीक है, इसके मूड है डिफरेंट। अब उन मूडों में उन्होंने खुद बताया हुआ है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक सिंगल हुक है, डबल हुक नहीं है, तो मुझे सिर्फ एक ही मूड चाहिए होता है, वो 1 होता है, क्योंकि मेरी यहाँ पे जो छोटी हुक डाउन होनी थी, ये आगे छोटी हुक डाउन होनी थी, मुझे छोटी हुक है ही नहीं, तो मैंने ये मूड 1 में ऑटो में इसको रखा हुआ है, सॉरी इसको सिलेक्ट किया हुआ है मूड 1 में, मूड 1 से ये छोटी हुक की जगह जब मैं आगे करता हूँ तो मेरा बूम एक्सटेंड होता है और रिटेक्ट होता है, ठीक है, आगे पीछे से, ठीक है। ये मेरा मूड पे बूम एक्सटेंड पे रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं ये बार बार मूड चेंज नहीं करने पड़ते। अगर आपकी हुक क्रेन में डबल है, डबल हुक है, 2 हुक्के लगी हुई हैं, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, जो यहाँ पे बूम है, तो जब आपने क्या करना है, जब आपको
ये तो मूड फोर, ठीक है, ये मूड फोर पे आ जाता है, ठीक है, और इसमें ये दो मूड नहीं है, मूड सिक्स है, ठीक है, ये तीन मूड दिए हुए हैं। वैसे 200 में सिक्स मूड है, इनको ब्लर किया हुआ है, ये काम नहीं कर रहे, ठीक है। ये तब काम करेंगे जब इसमें हम अटैच करेंगे एक वेंच, वेंच क्योंकि मेरे पास तो वेंच ही नहीं है, उसकी जब कनेक्शन देंगे तो ये मूड ऑन हो जाते हैं, ठीक है। अब इस मूड वन में क्या, ये देखें आगे, ये जो लेफ्ट वाली जॉयस्टिक है इसमें हमने आगे पीछे करके बूम को इन आउट करना है और लेफ्ट राइट पे स्विंग करना है, और इसमें बूम अप डाउन और ऊपर नीचे बड़ी हुक, ठीक है, निशान दिया हुआ है। अब हम जैसे सेलेक्ट करते हैं मूड फोर, अब मूड फोर में क्या हो गया, हमारा बूम अप डाउन क्या आ गया, लेफ्ट वाले में आ गया, इसमें आ गया, पहले इसमें था, ठीक है, और बूम भी ओपन और क्लोज सेम है, और स्विंग इधर आ गया, अब देखो ये स्विंग इधर आ गया इस साइड में, और पहले स्विंग इस साइड में था, इस साइड में आ गया, और ये सेम अपनी जगह पे है। मूड सिक्स में देखते हैं तो ये फिर क्या आता है, यहाँ पे बूम डाउन होता था, वहाँ पे बूम इन आउट आ गया है, और बड़ी हुक सेम जगह पे है, स्विंग सेम जगह पे है, और अपना बूम अप डाउन लेफ्ट में आ गया है, ठीक है। तो ये अपनी चॉइस पे है, आप इसमें चेंज कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली मूड वन जो है सब क्रेनों में रहता है तो वो भूलता नहीं है, क्योंकि ये ओरिजिनल मूड है, जिस क्रेनों में मूड नहीं दिया हुआ तो उनकी सेटिंग ऐसी ही रहती है, राइट में बूम अप डाउन रहता है, लेफ्ट में स्विंग रहता है, तो इसीलिए इसको मैंने मूड वन पे ही रखा हुआ है। जहाँ तक मूड टू का है, क्योंकि इसमें वेंच नहीं है, अगर वेंच रहता तो जब भी आपने बूम एक्सटेंड करना था तो आपने मूड टू करना होता। मूड टू से क्या होता है, आपका बूम अप डाउन वाला ऑप्शन बिल्कुल खत्म हो जाता है, ठीक है, क्यों, आपने पहले बूम अप कर लेना है 70 डिग्री तक, 70 डिग्री अप करके फिर आपने मूड टू सेलेक्ट कर लेना है। मूड टू सेलेक्ट करने से आपका स्विंग भी चलेगा और जहाँ पे ये बूम इन आउट होगा जो अब हो रहा है, ठीक है, बूम इन आउट होगा, और जो ये बूम अप डाउन वाला ऑप्शन है ये खत्म हो जाएगा, जो आगे अप एंड डाउन है ये बड़ी हुक होगी, और जो लेफ्ट राइट है ये छोटी हुक होगी, जो कि आप छोटी हुक आपकी अगर दो हुक होगी क्रेन में, क्योंकि इस क्रेन में दो हुक नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन ब्लर्ड आ रहा है और इस काम ऑप्शन नहीं काम कर रहा है, इस वजह से ये हमारा एक मूड वन ही इनफ है हमारे लिए, हमें बार बार मूड चेंज नहीं करने पड़ते, क्योंकि एक हुक है, जिसमें दो हुक होगी तो उसको ये मूड जब भी बूम एक्सटेंड करना होगा ये मूड चेंज करना होगा। ये है नया मॉडल, लेटेस्ट मॉडल जो टच स्क्रीन है, जो क्रेने आई हैं पुराने मॉडल टेरेक्स की, उनमें हम उन्होंने मूड जो है वो बटन में दिया हुआ है, उसमें इधर एक बटन दिया हुआ है लेफ्ट साइड है या राइट साइड में, वहां से आप उसका मूड चेंज करेंगे, जब भी आपने बूम एक्सटेंड करना है तो बटन बूम अप डाउन खत्म करके उसको मूड टू पे कर देना है, और उसमें बूम अप डाउन की जगह छोटी हुक आ जाती है और छोटी हुक डाउन अप डाउन होती है। तो ये सारा मूड चेंज करने का ये सारा तरीकाकार है। उम्मीद करता हूँ आपको ये मूड के बारे में दोस्त को समझ आ जाएगी, और जो बाकी दोस्त हैं उनको भी समझ आ गई होगी। इस बारे में कोई मजीद सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।